तो हम बात करते हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की। वीवीए है क्या? देखिए वीवीए कोई वीवी सिक्स नहीं है, वीवीए जो है वो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। वीवीए कोई वीवी सिक्स नहीं है, वीवी सिक्स राइट। वीवीए कोई आपका वीवीए स्टूडियो नहीं है, नहीं आपका डॉट नेट है। मतलब कहने का मतलब है कि वीवीए की मदद से आप कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं बनाने वाले। वीवीए के मदद से एक्सेल के अंदर में जो आपका एक्सेल है उसी के अंदर में आपको क्या करना है, उसी के अंदर में आपको एक डेवलप करना है टूल्स जो वीवीए में अवेलेबल नहीं है। क्या होता है कई बार हमारे पास कुछ ऐसे काम आते हैं जिसके लिए वीवीए में कुछ है ही नहीं, और वीवीए में है भी तो काफी लेंदी है। तो उस केस में हम यूज करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और हम अपने लिए वो टूल्स डेवलप कर लेते हैं। तो क्या क्या बनाएंगे हम वीवीए के मदद से? वीवीए के मदद से हम बनाएंगे मैक्रोज। अब मैक्रोज क्या होता है? देखिए मैक्रोज होता है कि आप एक सिंगल क्लिक करते ही आपका जो है ये चला जाता है, आपका काम हो जाता है। किस तरह का काम? तो चलिए इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। मेरे पास एक फाइल है, इसमें आप देखिए मेरे पास कई सारे शीट के डेटा है, दिख रहा है? ये अलग अलग शीट पे डेटा है, मुझे इस डेटा के ऊपर पिवट लगानी है, तो डेटा को कंबाइन करना है एक शीट के अंदर। तो कैसे करें इसके लिए? तो इसके लिए आपको जाना है डेवलपर में, और डेवलपर में जाने के बाद मैक्रोज, और यहाँ जस्ट इसके ऊपर रन कर। जैसे आप रन करेंगे, रन करते हैं एक सिंगल क्लिक में आप देखिए यहां पे पूरा डेटा कंबाइन, समझ गए? पूरा का पूरा डेटा कंबाइन हो गया। ये सब चीज किसकी मदद से हुआ? ये सब चीजें हुई मदद वीवीएस। किस तरह के वीवीए कोडिंग की है मैंने, आपको एडिट करके देख सकते हैं, ये रहा वीवीए कोडिंग। तो इस तरह की कोडिंग हमने कर दिया, जो भी स्टेप करना था वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, और वीवीए उस स्टेप को फॉलो किया, फॉलो करके एक प्रोग्राम को रन कर दिया। तो मैक्रो काम होता है कि आप अपने स्टेप्स को लिख दें, बाद में जब रन करें तो स्टेप्स आपसे 1000 टाइम फास्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ चलेगा, और आपका काम विद इन सेकेंड में कर देगा। दूसरा हम बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फॉर्मूला हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए इस तरह के और फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, अपने खुद की फॉर्म, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या करता है? हम पॉपअप क्रिएट करते हैं। किस तरह के पॉपअप? तो हम जैसे कि हम इस कहीं पे क्लिक किया, यहां देखिए जैसे क्लिक करते हैं, एक पॉपअप आता है ना, इससे हम जो जो सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, उस हिसाब से मेरा काम होता है। तो इसी तरह का पॉपअप यूजर फॉर्म के जरिए की जाती है। अब बोले जैसे एक एग्जांपल दीजिए, तो मैंने आज सुबह ही एक पढ़ाया है, उसमें मैंने यूजर फॉर्म बनाया है। चलिए वो आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा एंट्री दिख रहा है आपको सर, ये डेटा मान लीजिए मुझे इसकी डेटा एंट्री करनी है, और मैं डेटा एंट्री ऐसे नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन है, कुछ कुछ चीजें हैं जो माने कि मुझे डायरेक्ट सीट पर नहीं करनी। तो मैंने विजुअल बेसिक पे गया और ये देखिए यूजर फॉर्म बनाया हुआ है। अब जैसे इसको रन करेंगे, रन करते ही आ गया। अब यहाँ पे मैं जैसे डेटा एंट्री करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा एंट्री हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया उदय, और यहाँ से मैंने अपना सिटी को सेलेक्ट किया कि नागपुर नहीं, इस बार लेता हूँ उदयपुर, और यहाँ पे नंबर्स डाल दे रहे हैं, सम होता जा रहा है। जैसे जैसे नंबर डाल रहे हैं जैसे यहाँ पे सम होता है, एक सॉफ्टवेयर के। जैसे सबमिट पे क्लिक किया, मैसेज आया डेटा सेव, और ये देखिए डेटा सेव हो गया, ये बाकी पूरा डेटा खाली हो गया, दिख रहा है?
तो हमने यूजर फॉर्म, एक यूजर फॉर्म इस पे डिजाइन किया और सारे के सारे कोडिंग हमने यहाँ पे की, और उस कोडिंग से आपका यूजर फॉर्म रन कर रहा है। ये हम यूजर फॉर्म के जरिए करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूजर, तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के मदद से मैक्रोज, इसके जरिए हम मैक्रोज क्रिएट करते हैं, फंक्शन इसके जरिए हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, और यूजर फॉर्म जिसके मदद से हम एक पॉपअप, एक वैलिडेशन, एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। अब इस कोर्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो है एक्सेल वीवीए मैक्रोज पावर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसकी दो मॉड्यूल है, एक हमारा इसका क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स जो कि चलती है सिर्फ 2 डेज, वो भी 3-3 घंटे, मतलब कि टोटल 6 आवर आपको देने होंगे। तो इसमें क्या क्या कवर होता है, तो इसमें अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कि इसमें आप जो है सब कुछ कवर है इसमें, क्योंकि 3 घंटे में सब कुछ कवर नहीं हो सकता। अगर मैं कोई बोल भी रहा है आपको तो झूठ बोल रहा है, राइट। तो 3 घंटे में क्या कवर करेंगे वो भी हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कि हमने यहाँ पे एरा 3 घंटे में है, जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल हो गया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हैंडलिंग हो गई, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें एप्लीकेशन वर्कशीट रेंज, इसमें 2 प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है सेकेंड डे कराते हैं लूप, जिसमें फॉर लूप, डू लूप एंड व्हाइल लूप होता है, अनटिल लूप होता है, इफ एल्स इफ होता है, इवेंट माइक्रोज होते हैं, यूजर फॉर्म होते हैं, और आउटलुक कनेक्टिविटी होता है। इसमें 4 प्रोजेक्ट करते हैं, कंपाइल डेटा, फाइल एक्सपोजिशन, डेटा 1 सीट, दोनों सीट, और मेल सेंडिंग का। ये टोटल 6 घंटे का प्रोग्राम चलता है जो इसको आप ले सकते हैं। इसकी फीस हमने जस्ट 1000 रखी हुई है, लेकिन जैसे हमारी आपकी बातचीत है, इसमें आपको मेरा एडवांस एक्सेल का एक्सपर्ट लेवल का कोर्स लेना होगा, ठीक है सर, जिसकी पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेजी है। एक्सपर्ट लेवल का जो कोर्स होता है वो बेसिकली हमारा 55 घंटे का होता है, राइट। मंडे टू फ्राइडे इसकी 1 आवर की क्लास होती है। 1 आवर जो है ये लगभग है, ये कभी 45 मिनट भी होती है, कभी 35 मिनट होती है, कभी 40 मिनट, कभी 50 मिनट, कभी 1 घंटे, कभी कभी 1.5 घंटे भी होती है। तो ये लगभग वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए मैंने टॉपिक को 35 मिनट में खत्म कर लिया, अब आपके पास कुछ डाउट है ही नहीं, तो जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करेंगे तभी ना आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो उस दिन क्लास 35 मिनट की हुई, किसी दिन मैंने क्लास ऑलरेडी 50 मिनट में खत्म ही किया और आपने क्या किया, 2-4-5 सवाल पूछ डाले। तो उस केस में टाइमिंग जो है हमारा 1.5 घंटे से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसको करने में लगभग आपको 2 से 2.5 महीने का टाइम लगेगा, राइट सर। हाँ, 2 से 2.5 महीने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो बैच होगा मंडे टू फ्राइडे होगा, इसकी बैच की साइज जो है, मैं सब कुछ आपको पीडीएफ में भेजा हुआ है, बैच की साइज जो है आपको, वो आपका 1 से 3 स्टूडेंट हमारे बैच में होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है इसमें। अब लेकिन क्रैश कोर्स में हमारा 10 से 20 लोग होते हैं, लेकिन बस से 20 लोग होते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है 1 से 3 लोग होता है, क्योंकि एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है, इसलिए हमारा आदमी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होता है, ताकि हम आपके हर क्वेश्चन को समझ सके, बता सके, आपके ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है उसको समझ के बता सके, इसके अलावा कई सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बता सके। इसकी रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप मेरे ऐप पे जाके, मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ऐप लिंक मिलेगा, तो ऐप में जाएंगे तो वहां भी 65-70 घंटे की रिकॉर्डिंग है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी फीस जो है 10,000 रुपीज है सर,